एक्स आईएएस ऑफिसर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गद्दावर नेता सीनियर लीडर जो हैं महबूब इकबाल के घर पर हम खड़े हैं, उनके घर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आज सुबह सीबीआई ने रेड की है। ये तस्वीरें हम चाहेंगे थोड़ी आपको यहाँ पर दिखाई जाएं। हम आपको बताएं कि जो जानकारी हमारे सोर्सेस हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं उसके मुताबिक सीबीआई के रेड करने का कारण ये है कि उनको किसी ने लिखित शिकायत की थी और रोशनी एक्ट में जो बेनिफिशरीज हैं लोग ज़मीनों को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला था, एक स्कैम था और उसमें बहुत सारे लोग बेनिफिशरी हैं, कई नेताओं के भी नाम उसमें आते हैं, तो उसी को लेकर कोई सर्च जो है वो चल रही है। इस समय भी अगर हम आपको बताएं तो इस समय भी सीबीआई की टीम जो है वो अंदर घर के अंदर मौजूद है और जब सुबह आई थी तो उस समय घर में इनके सपुत्र इनके बेटे जो थे वो वहाँ पर सो रहे थे, उनको जगाया गया, उसके बाद सर्च अभियान प्रॉपरली चलाया गया। हम आपको बताएं महबूब इकबाल का नाम जो है गुलमर्ग लैंड स्कैम में भी, उनका नाम जो था गुलमर्ग लैंड स्कैम में भी था और हमारे इतने इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर ये ब्यूरोक्रेट अगर यही घोटाले कर रहे हैं, यही करप्ट हैं, तो ये सिस्टम किस तरफ जा रहा है। कई बार हमने करप्शन की खबरें करके आपको बताई हैं कि ये जो करप्शन है इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये रोक कब लगेगी? कुछ ऐसी कोई ऐसा जैसे धारा 370 हटाई गई थी, इस तरह का कोई फैसला लिया जाए ताकि ये लोग भी हटा दिए जाएं, इनको भी कुर्सियों से हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी धांधलियाँ की हैं। अब जो सर्च चल रही है वो रोशनी को लेकर है, शायद इन्होंने कोई इनके पास भी लैंड है, ये भी हो सकता है कोई बेनिफिशरी हो। सिर्फ इनके ही घर पे रेड नहीं हुई है, इसके अलावा और भी लोगों के घर पे, और भी ऑफिसरों के घर पे रेड हुई है और अभी क्या जानकारी निकल कर सामने आती है, क्या इसमें जानकारी, क्योंकि अभी सीबीआई तो सर्च कर रही है, लेकिन जब प्रॉपरली जानकारी आएगी कि किन बातों को लेकर सर्च अभियान चलाया गया, क्यों रेड की गई है, इसकी जब जानकारी आएगी वो जब हमारे साथ साझा करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताएं, सुबह टाइमिंग तो नहीं पता, लेकिन सुबह आज सीबीआई की रेड जो है महबूब इकबाल जो पूर्व आईएएस हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं उनके घर पर सीबीआई की रेड हुई है और एक बार मैं फिर से बताऊं गुलमर्ग लैंड स्कैम में भी इनका नाम था और अब रोशनी को लेकर भी इनके कुछ नाम आ रहे हैं, उसी को लेकर सर्च जो है वो की जा रही है। लेकिन जो इनके परिवार वाले बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सीबीआई ने जो रेड की है उन्होंने पूरी सर्च किया है लेकिन कुछ भी मिला नहीं है। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।